हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल रखने वाला और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर में मैट्रिक्स का दूसरा एक साइड 3.2 को। आप देख रहे हैं यहां लिखा गया है ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स है, बुक हम लोग का होगा एनसीईआरटी और एक साइज है उसका 3.2 यानी मैट्रिक्स का दूसरा एक साइज। और देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 1-2 क्वेश्चन नंबर है 13 यानी कि 1-12 क्वेश्चन का सोल्यूशन इसके पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप 1-12 क्वेश्चन को देखें उसके बाद यहां से देखें इसे का सीक्वेंस तैयार रहेगा। तो 1-12 क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो जो भी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से पहले उसको देख लेंगे। आई होप कि आप उसको देख लिए होंगे, तभी इसको देख लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। कहता है कि इफ fx इक्वल टू ये यानी fx इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है कि सो दैट fx इनटू fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस y यानी ये fx का वैल्यू दिया गया है और इसको हम लोग को प्रूव करना है कि f ऑफ x इनटू f ऑफ y इक्वल टू होगा f ऑफ x प्लस y। तो अब देख रहे हैं कि सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख दिए, लिखे क्या गिवन fx इक्वल टू इसको हम लोग लिख दिए। अब क्या किए हम लोग देख रहे हैं कि LHS के लिए यानी fx into fy निकालना है तो इसके लिए हमको fx भी चाहिए और fy भी चाहिए। तो fx तो दिया ही है बट fy कैसे आए तो यहां समझिए आप देख रहे हैं कि यहां x है तो यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x और यहां भी x। अगर हम लोग इस x को रिप्लेस कर दे किससे y से, क्यों? क्योंकि हम लोग को fy भी चाहिए। तो इस x के जगह जब y रख देंगे तो यहां पर भी y आ जाएगा, यहां भी y आएगा, यहां भी y और यहां भी y, सेम काम यही हुआ है, जो भी शब्द है वही काम किए। तो लिखिए क्या रिप्लेसिंग x by y we get यानी कि x को y से प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं क्या पाते हैं, तो ये देख लीजिए जहां जहां x है वहां वहां ये हो गया y। अब इस fx into fy को निकाल लेंगे तो उनका ये निकल गया। तो लिखते हैं therefore fx into fy और दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो fx में देख रहे हैं क्या है ये cos x यहां है माइनस में साइन x और यहां हो जाएगा जीरो, यहां हो जाएगा ये साइन x cos x और यहां हो जाएगा जीरो 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 और ये भी हो गया जीरो। ये रहा fx का वैल्यू इनटू अब किसका वैल्यू, तो ये fy है, fy का वैल्यू ये पूरा, तो ये है cos y माइनस साइन y जीरो साइन y cos y जीरो 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 और ये भी हो गया जीरो ऐसे। अब आप देख रहे हैं क्या कि इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये बात समझेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस पर भी एक लेक्चर अपलोड किया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी देख लेंगे। अगर आपको ये दिक्कत हो कि दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा करते हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है? तो हम लोग गुणा करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, तो ये जो पहला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो लेते हैं और तीनों कॉलम में वन बाई वन करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम में, तो cos x into cos y लिखते हैं, यहां से आएगा ये cos x into cos y और यहां देखिए cos x into cos y, फिर क्या प्लस, लेकिन यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो प्लस और ये माइनस क्या कर देगा माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ऐसे हो जाएगा। फिर समझ लीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स में साइन वाई से तो ये आ जाएगा, उसके बाद क्या आया जीरो इंटू जीरो, तो यहां पर जीरो इंटू जीरो क्या देगा ये जीरो देगा, सही समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है, अभी इसी रो से इस दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करना है यानी cos x से माइनस साइन वाई में, तो यहां पर आएगा माइनस cos x इंटू साइन वाई, ये ऐसे आएगा, सही है ना, क्या बोले cos x इंटू माइनस साइन वाई। अब माइनस साइन x से इस cos y में तो क्या आएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू cos y आएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ये वाई आ जाएगा। देख लीजिए कैसे कॉस एक्स से इस माइनस साइन में मल्टीप्लाई किए तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स से कॉस वाई में मल्टीप्लाई किए तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, उसके बाद इस जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा यहां पर आएगा ये जीरो,
सही है ना। उसके बाद अभी ये फर्स्ट रो इस थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा, तो cos x मल्टीप्लाई करेगा जीरो में तो जीरो आएगा, माइनस साइन x मल्टीप्लाई करेगा जीरो में तो जीरो आएगा, और ये जीरो मल्टीप्लाई करेगा जीरो में तो ये भी कितना आएगा जीरो। तो वैसे लिखना तो है हम लोग को इसके राइट साइड में, लेकिन जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, आप उसको कॉपी में राइट साइड में लिखेंगे। तो ये कितना जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, कुछ ये ऐसे आएगा। अब यहां ध्यान देंगे, ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो रहा, फर्स्ट रो का ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब क्या करना हम लोग को, ये देखिए सेकंड रो से फिर ये फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद सेकंड कॉलम में, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो साइन एक्स से इस कॉस वाई में क्या आएगा, तो ये आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर उसके बाद देखिए साइन एक्स से कॉस वाई में गुणा हो गया, फिर कॉस एक्स से इस साइन वाई में, तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा, और प्लस में जीरो, ये जीरो कैसे, वो जीरो ये और ये मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन एक्स में माइनस साइन वाई से, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ऐसे आएगा। फिर समझिए ये सेकंड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन एक्स से माइनस साइन वाई में, तो आया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद कॉस एक्स से इस कॉस वाई में, तो क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो लिखिए प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस में आएगा जीरो, ये जीरो कैसे, तो ये जीरो इसे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, सही है। अब ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो आएगा, कॉस एक्स इंटू जीरो ये भी जीरो आएगा, और ये जीरो इंटू जीरो क्या आएगा जीरो जीरो जीरो। तो इसको भी लिखना है इसके बगल राइट साइड में, लेकिन जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जीरो जीरो जीरो, तीनों का जोड़, ठीक है इतना। अब इस तीसरे कॉलम से फर्स्ट कॉलम, तीसरे रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, तो जीरो इंटू कॉस वाई क्या आएगा जीरो, प्लस जीरो इंटू साइन वाई जीरो, जीरो इंटू जीरो, तो ये पूरा जीरो 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 आ गया। उसके बाद फिर यही मल्टीप्लाई करेगा, तो देखने इसका तीन एलिमेंट क्या है जीरो है, तो इस तीनों मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो 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 देगा, तो यहाँ पर जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और यहां भी आ गया जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ऐसे आया। अब यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको यहां लिखते हैं, देखिएगा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, इसी तरह फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है। अब आप देखिए क्या ये फॉर्मूला यहां पर यूज में आ जाएगा, आ जाएगा ऐसे, अंतर क्या है कि यहां पर ए बी है और यहां पर एक्स वाई है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और प्लस में जीरो है तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। अब एक और बात ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये इस फॉर्मूले पर सेट हो जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, माइनस तो कॉमन ले लिए हैं तो ये आएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा, और यहां इसका सम कितना जीरो, तो ये यहां आ जाएगा। फिर ऐसे ही देखिए इस ये ही, जैसे आप माइनस कॉमन लेने के बाद जो यहां पर आ रहा था वही यहां है, तो कौन सा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला सेट हो रहा है। फिर यहां पर देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो यहां से क्या आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और इस तीनों का जोड़ जीरो, इसका भी जोड़ जीरो, इसका भी जोड़ जीरो, और इसका भी जोड़ जीरो, तो ये आया, सही है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा या फिर आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूले को। अब ये बताइए ये जो वैल्यू अपनी कार है किसका वैल्यू है, तो देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इसी का वैल्यू आ रहा है। अब ये बताइए कि क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, आप पूछेंगे ये कैसे, तो देखिए जहां जहां इसमें एक्स है देखिए उसी के जगह एक्स प्लस वाई आ रहा है, देखिए समझिए इसको अच्छे से,
देखते fx का वैल्यू है तो यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी x और यहां पर भी x। fy का वैल्यू निकले तो कैसे निकला, सब जगह y y y कर दिए। तो अगर हम लोग इसी के जगह x plus y पुट कर दे तो क्या ये नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब कि जो ये वैल्यू आ रहा है वो किसका वैल्यू है, x plus y का। फिर समझिए कैसे f of x plus y का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर क्या आ रहा है, x plus y, इसलिए यहां पर लिखे हैं x plus y, क्योंकि देखिए x x x x, अगर x है तो fx है, और यहां अगर f को x plus y है, x plus y है, x plus y है, x plus y है, तो यहां पर क्या आएगा, f of x plus y। और इस तरीके से हम लोग का प्रूव हो गया fx into fy equal to f of x plus y, and this is proof। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है कि so that this into this not equal to this into this, यानी कि हमको बताना है कि इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लोग सॉल्व करते हैं इसको, लिखते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम लोग को फाइंड करना होगा 5 - 1 6 7 इंटू, और ये दूसरा मैट्रिक्स 2 1 3 4, इसको भी क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में तो 5 × 2 = 10 प्लस -1 × 3 तो कितना आएगा, ये -3, समझ रहे हैं। फिर फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम तो 5 × 1 = 5 + -1 × 4 क्या आएगा, -4, ऐसे आएगा। फिर अब सेकंड रो से तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो 6 × 12 है, फिर 7 × 3 तो ये कितना, 7 × 3 = 21, तो ये क्या किया हम लोग, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम में तो 6 × 1 = 6 + 7 × 4 ये हो जाएगा 28। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 10 और ये -3 7, यहां से 5 और ये -4 1, 12 + 21 ये हो जाएगा 33, ये 6 + 28 ये हो जाएगा 34। फिर LHS का वैल्यू आ गया, अब क्या करना है हमको RHS का वैल्यू देखना है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये है एंड 2 1 3 4 और सेकंड मैट्रिक्स है 5 - 1 6 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 × 5 कितना आएगा 10 प्लस 1 × 6 6 आएगा, क्या किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 − 1 − 2 + 1 × 7 क्या आ गया, यहीं से 7 आएगा, आएगा ऐसे। फिर सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम तो 3 × 5 = 15 + 4 × 6 = 24, फिर सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम तो 3 × −1 − 3 + 4 × 7 तो ये हो जाएगा 28। अब यहां से देखिए इसके बाद, अब यहां से आप देख रहे हैं क्या कि इसको जब सम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 39 और यहां हो जाएगा 25। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि इस दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आया, क्योंकि देख लीजिए ये और ये बराबर नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे 10 5 − 1 6 7 × 2 − 2 1 3 4 not equal to 2 1 3 4 × 5 − 1 6 7 and this is proved। तो ये रहा 14 का फर्स्ट, अब देखिए 14 का सेकंड, तो देखते हैं 14 का सेकंड, 14 का सेकंड में देख रहे हैं कि LHS में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, RHS में भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, और हम लोग को क्या शो करना है कि ये इक्वल नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, LHS में जो दोनों मैट्रिक्स है उसको लेते हैं हम लोग, यानी कि 1 2 3 0 1 0 1 1 0 into ये सेकंड मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 1 2
थ्री फोर और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो से वन बाई वन करके सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, वन माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, फिर प्लस टू इंटू जीरो जीरो प्लस थ्री इंटू टू कितना आएगा सिक्स। ये किसे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो से इस सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू वन वन प्लस टू इंटू माइनस वन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस टू, टू और ये माइनस वन तो माइनस टू, फिर थ्री इंटू थ्री तो ये कितना आएगा थ्री इंटू थ्री नाइन। इसके बाद फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, वन इंटू जीरो तो ये कितना आएगा जीरो प्लस वन इंटू जीरो जीरो प्लस टू इंटू वन कितना आएगा ये टू प्लस थ्री इंटू फोर तो थ्री इंटू फोर ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आराम आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा एक जगह भी कहीं मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा मिस्टेक हो जाएगा। आइए इसको फिर से हम लोग मिला लेते हैं एक बार। फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, टू इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू टू सिक्स, फिर ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम, वन इंटू वन वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, थ्री इंटू थ्री नाइन। ठीक है, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, वन इंटू जीरो जीरो, टू इंटू वन टू, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, इतना सही है। अब क्या करना है, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम है तो जीरो इंटू माइनस वन जीरो प्लस वन इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू टू, ये भी क्या आया जीरो आया, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू टू जीरो। फिर अब इससे सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम है तो जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू माइनस वन तो होता तो है प्लस और ये फिर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा लिखिए प्लस और ये माइनस वन, देखिए फिर क्या जीरो इंटू थ्री तो ये आएगा जीरो। सेकेंड रो से इस थर्ड कॉलम है तो जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू वन वन प्लस जीरो इंटू फोर जीरो आ जाएगा। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम है तो वन इंटू माइनस वन जीरो, सॉरी वन इंटू माइनस वन कितना आएगा माइनस वन, प्लस वन इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू टू कितना आएगा जीरो। थर्ड रो और ये सेकेंड कॉलम, वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन प्लस जीरो इंटू थ्री कितना जीरो। थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम तो वन इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू वन वन प्लस जीरो इंटू फोर कितना आया ये जीरो आया। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर फाइव, यहाँ पर कितना आएगा नाइन, वन टेन में से टू गया एट, ये 14, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ भी माइनस वन आया, यहाँ भी 0 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस 0 और यहाँ पर आया 1। तो ये तो आया LHS का प्रोडक्ट। अब RHS में देखते हैं क्या है, तो RHS में देख रहे हैं इस दोनों को, यानी है यही जो बाद में है वो पहले आ गया, जो पहले वो बाद में चला गया। तो देखिए एंड यहाँ ये माइनस वन वन जीरो, फिर जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन वन टू थ्री फोर इंटू ये दूसरा मैट्रिक्स वन टू थ्री जीरो वन जीरो वन वन जीरो, ये ऐसे आया ऐसे आया। सॉल्व करते हैं इसको, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन प्लस वन इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू वन जीरो, फिर क्या फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू वन जीरो, फिर ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री वन इंटू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम तो जीरो इंटू वन जीरो प्लस माइनस वन इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू वन वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
यहां पर कैसे मल्टीप्लाई किए थे, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो से सेकंड कॉलम में, तो 0 × 2 जीरो प्लस माइनस 1 × 1 तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा। अब क्या सेकंड रो से थर्ड कॉलम में, तो 0 × 3 जीरो प्लस माइनस 1 × 0 जीरो प्लस 1 × 0 ये भी आ गया जीरो। अब क्या बच गया थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 जीरो प्लस 4 × 1 4 थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 4 प्लस 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 4 थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो 2 × 3 6 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 0 0 इसको कर देते हैं सॉल्व, यहां हो जाएगा माइनस 1, यहां भी हो जाएगा माइनस 1, यहां हो जाएगा माइनस 3, यहां हो जाएगा 1 और यहां 0, यहां 0, यहां 6, यहां 4 × 3 = 7 और 4 = 11 और यहां हो जाएगा 6। अब आप देखिए कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आया नहीं है, वो तो फर्स्ट ही टर्म ये 5 है और ये माइनस 1 है तो यहीं से बोलेंगे इक्वल नहीं है, बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या लिखेंगे 10 किसको, तो ये 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 2 3 4 नॉट इक्वल टू माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 इंटू और ये वाला मैट्रिक्स इधर आ जाएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0 प्रूव्ड, तो ये इक्वल नहीं है, इसको भी हम लोग प्रूव्ड किए। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई, यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है इफ यदि ए इक्वल टू इतना, यानी ए का वैल्यू दिया गया है और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान देंगे सबसे पहले काम क्या करें हम लोग, जो गिवन है उसको लिख देंगे, तो लिखते हैं गिवन ए इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 और ये 0, ध्यान देंगे ये ए मैट्रिक्स मिल गया हम लोग को। अब ये बताइए जब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो इसमें किसका किसका वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा, तो देखिए इसमें ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ए का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और आई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहां से ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए का तो वैल्यू दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेकिन इसके सहायता से ए स्क्वायर भी निकाल लेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, यानी ए में ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, यानी यहां पर भी ए का वैल्यू यहां पर भी ए का वैल्यू, यानी यही 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 फिर इंटू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 ये भी हो गया। और देख रहे हैं कि यह क्या है a इंटू ए, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, ये a स्क्वायर के वैल्यू आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 2 × 2 4 प्लस 0 × 2 0 प्लस 1 × 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 0 0 प्लस 0 × 1 0 1 × -1 तो ये प्लस और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई करके करना क्या होता है, सबको जुड़ना होता है फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम तो ये रहा थर्ड कॉलम, 2 × 1 2 प्लस 0 × 3 0 प्लस 1 × 0 और ये भी आ गया 0, ऐसे आ गया। अब क्या करना है सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 2 प्लस 3 × 1 3 इसके बाद सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो 2 × 0 0 प्लस 1 × 1 1 प्लस 3 × -1
तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री, सही है। अब क्या करना है सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो टू इंटू वन टू प्लस वन इंटू थ्री थ्री प्लस थ्री इंटू जीरो ये आया जीरो। इसके बाद देखिए थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में तो वन इंटू टू टू प्लस माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस जीरो इंटू वन जीरो। इसके बाद थर्ड रो और ये सेकेंड कॉलम तो वन इंटू जीरो जीरो प्लस माइनस वन इंटू वन कितना आएगा माइनस वन प्लस जीरो इंटू माइनस वन जीरो ऐसे है। इसके बाद थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम वन इंटू वन वन प्लस माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू जीरो और ये भी आया जीरो। यहां से आया, अब यहां से सभी को सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये फोर प्लस वन फाइव, यहां से क्या आएगा माइनस वन और यहां से आएगा टू। यहां देखिए फोर टू सिक्स और थ्री नाइन, यहां पर वन माइनस थ्री माइनस टू, यहां पर टू थ्री फाइव, यहां से टू माइनस टू जीरो, यहां पर माइनस वन और यहां पर आएगा माइनस टू। तो ये रहा ए स्क्वायर का वैल्यू, ये किसका वैल्यू आया ए स्क्वायर का। अब यहां देखिए कि हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है वह क्या है, लिखते हैं नाउ ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, इसी में हम लोग को वैल्यू पुट करना है। किसका किसका ए स्क्वायर का, ए का और आई का। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ए का वैल्यू आपको दिया गया था, ए स्क्वायर का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। अब यहां से डिसाइड करना होगा आपको कि आई, जानते हैं आई किसके लिए आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यानी यूनिट मैट्रिक्स के लिए। अब ये बताइए कि ए कितने कोटि का है, कितने ऑर्डर का है, तो थ्री बाई थ्री। ए स्क्वायर भी कितने का है, ये भी थ्री बाई थ्री। और देख रहे हैं कि यहां पर करना क्या है, इसको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है और इधर घटाना है। तो जानते हैं कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, सबसे जरूरी बात क्या है, तो उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए समान, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर आई लेंगे उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, जितना ए का है या ए स्क्वायर का है। तो इस दोनों का कितना है थ्री बाई थ्री, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी कितने का लेंगे थ्री बाई थ्री का लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में ये आया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का लेंगे और क्यों। वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू है हम लोग का यहां से फाइव माइनस वन ये टू, नाइन माइनस टू ये फाइव, जीरो माइनस वन ये माइनस टू। इसके बाद माइनस फाइव और यहां से ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स तो ये टू जीरो वन टू वन थ्री और ये वन माइनस वन जीरो, सही है। प्लस में क्या है प्लस सिक्स और यहां पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री का, तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन यहां। अब इस सबको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहां से तो यही रहेगा फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन ये माइनस टू। और यहां से माइनस को माइनस रहने दीजिए और इस फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स में जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये मैट्रिक्स ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव इंटू टू टेन, फाइव इंटू जीरो जीरो, फाइव इंटू वन फाइव, फाइव इंटू टू टेन, फाइव इंटू वन फाइव, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फाइव इंटू वन फाइव, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव और ये फाइव इंटू जीरो जीरो आएगा। प्लस ये सिक्स भी समय मल्टीप्लाई करेगा तो सिक्स इंटू वन सिक्स, दोनों जीरो है तो यहां पर जीरो जीरो, फिर जीरो सिक्स जीरो 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 सिक्स, कुछ ये ऐसे आएगा, सही है इतना। अब क्या करना है, जहां जोड़े वहां जोड़ देंगे, घटा हुए वहां पर घटा देंगे। तो यहां से देखिए क्या रहा है, आप यहां से देख रहे हैं फाइव माइनस टेन प्लस सिक्स, ध्यान देंगे फाइव और इसको क्या करना होगा माइनस करना होगा, इसको क्या करना होगा प्लस करना होगा, तो फाइव माइनस टेन प्लस में सिक्स, समझेंगे सही से। माइनस वन यहां क्या है माइनस जीरो
और यहां प्लस जीरो। इसके बाद ये है टू माइनस फाइव और ये प्लस में जीरो। यहां क्या है नाइन माइनस टेन और ये प्लस में जीरो। यहां क्या है माइनस टू माइनस फाइव और ये प्लस में सिक्स। ये इसके बाद यहां पर तो ये फाइव माइनस ये फिफ्टीन और ये प्लस में जीरो। यहां पर जीरो माइनस फाइव और ये प्लस में जीरो। फिर यहां के लिए माइनस वन माइनस ध्यान देंगे माइनस और फिर ये माइनस फाइव तो यहां हो जाएगा प्लस फाइव और यहां प्लस में जीरो आएगा। उसके बाद यहां पर तो ये माइनस टू माइनस टू माइनस जीरो और ये प्लस और यहां पर आ गया सिक्स। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहां से देखिए क्या आएगा, यहां से आएगा वन, यहां से आएगा माइनस वन, यहां से आएगा ये माइनस थ्री और यहां से आएगा ये माइनस वन, यहां से आएगा देख लीजिए ये माइनस सेवन और ये प्लस में सिक्स। तो माइनस सेवन और प्लस में सिक्स ये आएगा माइनस में वन और यहां पर आएगा माइनस में टेन, यहां आएगा माइनस फाइव, यहां आएगा प्लस में फोर और यहां आएगा प्लस में फोर एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरीके से आप इस सेक्शन में देखें 12th क्लास के मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 के सोल्यूशन को। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि वीडियो को कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको भी बोले कि ये वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो क्रम से जैसे आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो भी चैप्टर है एकदम क्रम से अपलोड किया जा रहा है और ऐसे दूसरे चैप्टर का भी क्रम से वीडियो अपलोड किया जाएगा जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। तो इससे आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।